कैंडी क्रश मोबाइल गेम जो कि आई एम श्योर हम सभी ने खेला है, इसके प्ले स्टोर पर 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये जिस गेम से इंस्पायर्ड है उसके प्ले स्टोर पर सिर्फ 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिसका नाम टेट्रिस है। शॉकिंगली टेट्रिस के 10 मिलियन डाउनलोड्स होने के बावजूद उसकी नेटवर्थ जो है वो 20 बिलियन डॉलर्स है। ऑन दी अदर हैंड कैंडी क्रश जिसके 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं उसकी नेटवर्थ सिर्फ 670 मिलियन डॉलर्स की है, जो कि टेट्रिस के मुकाबले 30 टाइम्स लेस है। लेकिन कैसे? अब ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ईयर 1985 जब रशिया USSR हुआ करता था। वहां के एक कंप्यूटर इंजीनियर जिनका नाम एलेक्सी पेजेटकोव है, उन्होंने टेट्रिस गेम को अपने आइडियल टाइम को अम्यूज करने के लिए, बोले तो टाइम पास करने के लिए डेवलप किया था। इसके बाद एलेक्सी ने ये गेम अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करी और उन फ्रेंड्स को ये गेम इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी आगे इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये गेम पूरे मॉस्को के अंदर वायरल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये गेम इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों थी? कुछ साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब हमारे ब्रेन को कोई चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है तो उसके कंप्लीट होते ही हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। अब यही सेम पैटर्न हमें टेट्रिस में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारे चैलेंजेस हर लेवल के साथ इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे जैसे हम इन लेवल्स को कंप्लीट करते हैं हमारा माइंड उतना ही ज्यादा ये हैप्पी हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है और हम इसी वजह से इस एडिक्टिव लूप में फंसते जाते हैं। अब इतनी एडिक्टिव होने के बावजूद एलेक्सी इस गेम को सेल करके कोई प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता था, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वो एक कम्युनिस्ट कंट्री का सिटीजन था। 1980s के टाइम पे USSR में आप एक गेम डेवलप तो कर सकते थे लेकिन आप उसके ऊपर कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। उसके ऊपर कोई भी बिजनेस करना वहाँ की गवर्नमेंट का ही पार्ट होता था। तो सोवियत गवर्नमेंट ने जब इस गेम को अपनी कंट्री में ग्रो होते हुए देखा तो इसके ऊपर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस गेम को कैपिटलिस्ट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। सबसे पहले इस गेम को हंगरी में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया और एज एक्सपेक्टेड टेट्रिस ने वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, जिस वजह से ये US की जायंट गेम कंपनीज की नजरों में भी आ गया। जिस तरह से आज के टाइम में एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल्स का मार्केट में डोमिनेंस है, उसी तरह से 1980s के टाइम पे अटारी और निंटेंडो जैसे गेमिंग कंपनीज का मार्केट में दबदबा था। और 1989 में निंटेंडो वर्ल्ड का सबसे पहला हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च करने वाला था और जैसे ही उसकी नज़र टेट्रिस पर पड़ी तो वो समझ गया था कि अगर वो अपने कंसोल को टेट्रिस के साथ लॉन्च करेगा तो उसका लॉन्च बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा और उसकी सेल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि टेट्रिस गेम के साथ लॉन्च करने के लिए उनको इस गेम के लीगल राइट्स चाहिए थे और वो लीगल राइट्स उनको मॉस्को जाके लीगल फाइट्स लड़ के एक्वायर करने थे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 1989 में निंटेंडो ने वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल रिलीज किया जिसको गेम बॉय के नाम से भी जाना जाता है और ये लॉन्च निंटेंडो की उम्मीद के हिसाब से कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और वो भी सिर्फ टेट्रिस की वजह से। अगर फिगर्स की बात करी जाए तो निंटेंडो ने पूरे 118 मिलियन डिवाइसेस सेल करे और ये सेल करके निंटेंडो ने 10 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया। जहाँ टेट्रिस की वजह से निंटेंडो इतने नोट छाप रहा था, वहीं दूसरी तरफ टेट्रिस का क्रिएटर एलेक्सी अभी तक इसकी वजह से कोई भी अर्निंग नहीं कर पाया था क्योंकि सारी रॉयल्टी का अमाउंट तो सोवियत गवर्नमेंट के पास जा रहा था। अब टेट्रिस की इतनी ह्यूज सक्सेस देखते हुए एलेक्सी से भी रहा नहीं गया और वो रशिया से माइग्रेट करके फिलाडेल्फिया USA में आके शिफ्ट हो गया। अब यहीं पर 1995 में एलेक्सी ने अपनी पहली कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया था टेट्रिस कंपनी। अब 1995 वो टाइम था जब इंटरनेट ऑफिसेस के साथ साथ घरों में भी अपनी जगह बना रहा था और यहीं पर एलेक्सी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी कंपनी के थ्रू टेट्रिस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया। अब एलेक्सी की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा शार्प थी, उसने क्या करा, इस गेम को फ्री में लॉन्च करने की जगह एक पेड कैटेगरी में रखा। अब हर यूजर को इसको खेलने के लिए $50 देके इसको डाउनलोड करना पड़ता। अब ये स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि 2014 तक टेट्रिस गेम के 425 मिलियन डाउनलोड्स हो गए जिसने एलेक्सी को टोटल में 20 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके दिया। अब इसी टाइम के दौरान टेट्रिस से इंस्पायर होके 2012 में कैंडी क्रश गेम लॉन्च हुई। अब सिंस टेट्रिस अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करता था तो कैंडी क्रश को अपनी जगह बनाने के लिए इस गेम को फ्री में लॉन्च करना पड़ा और इसी वजह से 1 बिलियन डाउनलोड्स होने के बावजूद कैंडी क्रश रिवेन्यू में टेट्रिस को कभी बीट नहीं कर पाया। ये केस स्टडी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।